हे गाइस गुड मॉर्निंग, यहाँ पे हो रहा है सवेरे 6:30 का टाइम और आज थोड़ा लेट हो गया जाने में, तो आज फिर से जा रहे हैं सुबह। बच्चों की मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और यहाँ पे मेरा कार चलाने सीखने का सेकंड डे है, तो मैंने सोचा कि पहले तो मन नहीं हुआ सुबह जाने का, फिर मैंने सोचा कि नहीं जाएंगे जरूर। तो यहाँ मैं अपने घर के नीचे खड़ी हूँ, यहाँ आप देख सकते हो बाहर से गेट खुला हुआ है। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग। सबसे ज्यादा देखो ठंड हम लोग को लगने लगी है, परी ने भी पहन लिया और मैं तो शॉल ओढ़ ही लेती हूँ, ठंड लगती है। चलो फिर आ गई गाड़ी, आ गई है गाड़ी और हम लोग जा रहे हैं बैठ के। अब तो चलिए चलते हैं फील्ड में, वहाँ पे ही मिलेंगे। और चल रहा है सीखना है मेरे को, लॉक कर दो भी अच्छे से। तो चलिए चलते हैं फील्ड में और चलाना सीख लेते हैं जरा अच्छी तरह से गाड़ी। एक मिनट, ये देखिए बैठे हुए हैं और हेडफोन लगा के गाड़ी में बैठ गए। भाई खालो पान खालो खाली, अब सुबह सुबह बस मतलब चाइल्ड ने अच्छा ही करो, सब बेकार है, सब अच्छा है। पान खाना गलत बात है, पान खालो बुराई है, बाकी सब पाव अच्छा, बाकी सब अच्छा है। कौन बदमाशी कर रही है? अरे भाई खा लो, ऐसी कुठन लग रही है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इनके पान खाने के ऊपर? फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है तो आप देख सकते हो रोड पे आज कोहरा होने लगा है और ठंड ज्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दे बाहर का भी। अभी भी देखिए यहाँ पे दिवाली की सजावट की हुई है, तो यहाँ पे हम लोग फील्ड में पहुँच चुके हैं और परी विराट यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे रैकेट खेल रहे हैं, जो कि उन लोगों को खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फील्ड में थोड़े हमारे डॉग्स भी है ना, तो काफी बड़ी फील्ड में उनको अच्छे से दौड़ने को मिल रहा है, तो वो जूनियर और ब्रूनो भी बहुत खुश हैं। और विराट को देखिए कितना मस्ती कर रहा है, ब्रूनो के साथ आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे ब्रूनो भाग रहा है, तो ये डॉग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग का तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और गाड़ी भी मैं चलाना यहाँ पे थोड़ा सीख लेती हूँ और डॉग्स का भी यहाँ पे अच्छा खासा दौड़ना हो जाता है, जिससे कि ना उनको अच्छा डेवलपमेंट मिल जाएगा और वो मतलब और अच्छे से बड़े हो सकेंगे। चिल्ला दीजिएगा एड़ा बस तेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो उस फील्ड में हम लोग हैं, तो वहाँ पे सामने मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे भक्ति सॉन्ग बज रहा है, लेकिन वो वीडियो में आ रहा था ना तो मुझे यहाँ पे आवाज़ बंद करनी पड़ी है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नंगे पैर घास में चल रहे हैं, जो कि काफ़ी ओस गिरी हुई है, तो घास में चलने के लिए बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे सभी लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, तो जूनी ब्रूनो को अभी यहाँ से हम लोग घर उनके छोड़ेंगे, मतलब मम्मी घर पर उनको छोड़ देंगे और उसके बाद हम तीनों चारों लोग अपने घर को जाते हैं। पे हम लोग ना लोग घर आ चुके हैं और हम लोग को घर आए अभी थोड़ा टाइम हुआ है, क्योंकि लाइट ऑन कर दो। हाँ
हम लोग मम्मी के घर चले गए थे। और आप सोचते हो कि रोज मम्मी के घर जाना होता है, तो रोज मम्मी के घर जाना इसलिए होता है क्योंकि जो जिस फील्ड में मैं गाड़ी सीखने जाती हूँ तो वो वही मम्मी के घर के पास में ही है। तो फिर जब वहां तक जाना होता है ना, तो ये लगता है कि लाओ मम्मी के घर भी हो लेते हैं। और आज तो मतलब हम जाके वहां से अपनी छोटी बहन को भी लेके आए थे कि मतलब फील्ड में ना घास थी और उसमें मतलब काफी ओस गिरी हुई थी, तो ये हुआ कि नंगे पैर चलने से काफी अच्छा रहता है ना, जब पैरों में दर्द वगैरह होता है, तो उसको भी लेके आए थे। और डॉग्स जो अपने डॉग्स हैं उनको भी ले आए थे ताकि वो लोग भी खूब दौड़ लो। उन्होंने भी बड़ी मस्ती करी आज फील्ड में, और परी विराट के तो पूछिए मत, उन लोग को तो बहुत ही मजा आया दौड़ने के लिए। विराटू हाँ? बता भैया कैसा लगा आज आपको फील्ड में? मेरे बहुत मजा आया था आज बहुत तो। मजा आया, कल चलोगे फिर? हाँ हाँ नहीं पता है, आज डैडा बोल रहे थे कि विराट और परी को सोने दो, हम लोग चलते हैं। तो कल क्या करें, आपको उठाए कि ना उठाए? उठा लीजिएगा। ना उठाए तो नहीं, फिर भी अगर मुझे ना लेती ना तब भी उठा लीजिएगा। दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ तो टेरेस पे है। टेरेस पे गई है? तो आओ चलो देखें जरा विराट दीदी है कहाँ, मार लगाते जरा उनको। चुप्पे चुप्पे आना। इसने पूरा प्लान फेल कर दिया, ये पहले ही बाहर भाग गया यार। बिट्टू कहाँ गए थे बिना बताए? धूप पड़े सूख गए, दिखा दे हैंड वॉश। तो फिर आए क्यों अभी गीले? धूप है तो हल्का धूप है तेरे पे। बहाना बाजी, देखिए ये गई थी हेड सुखाने और हेड पूरे का पूरा गीला इनका हेयर अभी, और चली आई। ऐसे ऐसे बदमाशी होती है। मेरा भी छोड़ दो दीदी को, ऐसे इन लोग के अभी खेलते खेलते लड़ाई हो जाएगी, इसलिए इन लोगों ने पहले ही अलग कर देना होता है। चलो खाना रखाओगे? हाँ भूख लग रही है मुझे, बातें करना। चलो फिर खाना दे। तो चलिए बच्चों को अब देते हैं खाना, खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद आपसे हाँ, चलिए टॉप में जाएगा। टॉप में जाएगा हाँ, नचाओ जरा देखे। ये देखे विराट का लट्टू, आप लोग और आप लोगों ने भी ऐसा ये गेम खेला होगा बचपन में। ऐसे नहीं उठाएगा वहां से, चोट लग जाएगी, नेल लग जाएगी। तो ये देखिए विराट अब ऐसे खेल खेल के विराट बड़े खुश होते हैं। ऐसे जो लट्टू होते थे तो पहले बहुत ही लड़कों को देखा नचाते हुए, और अब जो है थोड़ा सा इसका लुक जो है ना चेंज हो गया इसको, और समय के साथ इसमें बदलाव आ गया। हाँ ये आ लट्टू देखिए विराट लेकर के आया दिखाने के लिए। इस तरह के लट्टू होते थे पहले, जो मतलब हम लोग ने अपने बचपने में देखे अपने भाई लोग को, अपने भाइयों के दोस्तों को नचाते हुए। तो ये सब खिलौने ना बच्चे बहुत खेलते थे पहले, और आजकल के बच्चों के लिए लट्टू देखिए, जैसे नए जमाने के बच्चे तो उनके लट्टू भी थोड़े नए हो गए हैं, प्लास्टिक में आ गए, पहले लकड़ी में आते थे। मेरा फेवरेट है ये, अलग अच्छा नहीं लगता मुझे ये। ये मेरे विराट का फेवरेट है। और आपको वैसे गेम खेलना कौन सा फेवरेट है? गेम मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट। क्रिकेट फेवरेट है और खेलते लट्टू हो? उसके बाद रैकेट, वो तो खेलते नहीं ये खेला करते हो। बस तुम्हे फील्ड में खेला था आज? हाँ? बस हाँ, कल भी फील्ड में खेला था। खेलते हैं, ऐसा नहीं कि खेलते नहीं। आपको पता है मैं ज्यादा क्यों नहीं खेलता, अकेले कैसे खेला कि इस साइड मार उस साइड मार। हाँ। लेकिन दीदी मेरे ज्यादा खेलती है नहीं। हाँ पर जरा हमारा ना कम खेलती है जरा, इसलिए विराट हमारा नहीं खेल पाता है। फोन चलाया देखो वर्क रहता भाई, वर्क ज्यादा तो टिकटॉक और दुनियादारी रहती है ना। तो अभी जो है तो बच्चों का परी का मेनली परी का खाना खाने का मन नहीं है, क्योंकि परी की फेवरेट चीज ये रखी हुई है, परी को इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता है। और ये देखिए आपको दिखाते हैं कि कल ये डिब्बा जो है तो रात में 10 बजे इनके डैडा घर आके कपड़े चेंज करके लेट चुके थे, तब परी ने फरमाइश की, तो वो रात में 10 बजे दोबारा गाड़ी निकाली है और लेकर के गए हैं। और ये देखिए लेकर के आए हैं, और आप समझ सकते हो कि ये रात में 10 बजे डिब्बा आया था, और अभी देखिए सुबह हम लोग चले गए थे अभी आए हैं। तो ये रात भर में बिट्टू ने मेरी कितना खा डाला है, इसमें देखिए कितने गिने चुने पीस दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए बिट्टू को इतना ज्यादा ये पसंद है कि बिट्टू इसके आगे खाना भी खाना पसंद नहीं करती है। देखो अभी खाना खाने जा रही थी लेकिन ये याद आ गया, तो कह रही है खाना नहीं खाएंगे, खाना बाद में खाएंगे, पहले इसको खा लेते हैं। तो लो बेटे तुम खा लो पहले। ये मजा आ रहा है। विराट का फेवरेट है ये,
छोटे छोटे से क्या है ये? छेने हैं। छोटे छोटे से छेने हैं। विराट को ये बहुत पसंद है, ये देखिए इस तरह से। कल ये रात में विराट के लिए आया था। विराट लेकिन मेरा मीठा ना कम खाता है, बहुत ही कम खाता है, तो अभी ये फ्रिज से निकाल के रखा है। तो ये देखिए बहुत अभी ठंडा हो रहा है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखा है, और जब ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल आ जाएगा तब विराट खाएगा। अभी नहीं आया, अभी हमने देखा चूंकि ठंडा है। ना ना अभी ठंडा है, थोड़ी देर के बाद खाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है 1 बजने वाला है, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि ये दीवार जो सामने वाली है ना, मैं आपको दिखा दूं पहले। देखिए इस तरह से है ये दीवार, तो इसमें पूरे में वॉलपेपर लगाना था, तो ये आधा लगा हुआ है और ऊपर का अभी बचा हुआ है, क्योंकि ना वॉलपेपर हो गया था खत्म। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं इसको फटाफट से लगा लेती हूँ, क्योंकि समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो बस वही मैं करने जा रही हूँ। मैं फटाफट से लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आप कितना सुंदर लगने लगा है पूरा जब कंप्लीट हो गया। तो अनकंप्लीट था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऊपर पूरा खाली दिख रहा था, और अब पूरा हो गया है। तो मैंने इस तरह से कुछ थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर रखा है। यहाँ पे ये ग्लास लगवाया था अभी दीपावली के पहले। साइड में ये फ्लावर का स्टैंड है, विद स्टैंड लगा है ये। और मेरी बेडशीट तो बहुत ही ज्यादा मैच कर रही है, इसलिए इसका लुक मुझे और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो बस चलिए करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सीधे तो लेटो पहले। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।